के प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभ्रांत सिंह। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने अब बाइबल को सही मायनों में किस तरीके से देखना है यह समझना चालू कर दिया होगा, और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमको अपनी गवाहियों से एनकरेज कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। हमें एक ब्रदर जिनका नाम मॉरिस डिसूजा है, मैसेज करके बताए कि वह बाइबल को अपने तकिए के नीचे रख करके सोया करते थे और बाइबल के लिए एक ऐसी जगह बना रखी थी जहां से वह सोचते थे कि उनके घर में आशीष आएगी, शांति आएगी, समृद्धि आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और इसलिए वह बहुत हताश भी थे। लेकिन जब उन्होंने हमारे पिछले एपिसोड में इस बात को सुना और समझा कि तकिए के नीचे रखने से कुछ नहीं होगा और बाइबल की सामर्थ तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम बाइबल को खोल करके उसके वचनों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल की सामर्थ जो है वो उसके वचनों के अंदर ही है, इस बात को उन्होंने समझा और बाइबल को पढ़ना चालू किया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा करना चालू किया, उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन को देखा, अपने परिवार में, अपनी परिस्थिति में परिवर्तन को आते हुए देखा और इस बात को समझ लिया कि हमारा जीवता परमेश्वर हमें भूलता नहीं है, बल्कि हमारे लिए इंतजार करते रहते हैं कि कब हम सही रास्ते को चुनेंगे और वह हमारे लिए मदद का हाथ बढ़ाना चालू कर देंगे, जिसे शैतान ने संसार की बातों में उलझा के रोक कर रखा है। इन वचनों का इतना महत्व है कि परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े दासों को वचनों को याद रखने के लिए बोला था। यहोशू उसके पहले अध्याय और 8वें वचन में हम पढ़ सकते हैं कि यहोशू से परमेश्वर ने कहा था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दाऊद हमेशा परमेश्वर के वचन पे और परमेश्वर की ओर मन लगाए रहा करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए यह कहा कि यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, जो हम पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय और 14वें वचन में पढ़ सकते हैं। मूसा पूरे समय यहोवा परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा के रखता था और इस बात को आप उसकी लिखी हुई पुस्तकों में देख सकते हैं, और उसने कैसे बारीकी से हर एक बात को लिखा, और आखिरी में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हर एक बात को मूसा ने याद करके बारीकी से लिख दिया। इससे यह साबित होता है कि मूसा कितना परमेश्वर की बातों पर मन लगा के रखता था। और एक बहुत जरूरी बात वचनों पर मन लगाने से होती है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय आता है। परमेश्वर का भय अच्छी बातों को लाता है और डरावनी बातों को दूर करता है। परमेश्वर का भय संसार का डर दूर करता है और जीने की शक्ति देता है। कोई गिरा है तो उसे उठा खड़ा करता है और बुद्धि देता है हर बात को सही रीति से करने के लिए, सोच समझ के करने के लिए, ताकि वह सफल हो। इसीलिए नीति वचन उसके 9वें अध्याय और 10वें आयत में यह लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। बुद्धि यह बताती है 11वें वचन में, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। और 12वें वचन में ऐसा लिखा है कि यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। इसका मतलब है कि और कोई नहीं, हम ही भोगेंगे अगर हम बुद्धिमान होंगे। तो हमें यह बार बार याद रखना है कि हम किसके वचन की बात कर रहे हैं, उस सृजनहार के वचन जिसने सारी सृष्टि को रचा है। और हम जब अपनी बुद्धि पर इतना घमंड करते हैं तो जो बुद्धि हमारी बुद्धि बनाने वाले के पास होगी उसको तो हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वचन को पढ़ते समय अपने आप को
दीन रख करके पढ़ें और बेकार के सवाल को ना करें, बेकार के सवालों को तूल ना दें, ताकि अपार बुद्धि को आप प्राप्त कर सकें। क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसी कई बातें हैं जिसे आप पहली बार में नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और बाइबल की सच्चाई पर मन लगाना पड़ेगा। क्योंकि हर एक बात बाइबल के अंदर जो लिखी हुई है उसके पीछे कारण है, चाहे वह युद्ध ही क्यों ना हो। कई लोग ऐसे हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि उन्हें पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब उन्होंने बाइबल पढ़ने का मन बनाया और कोशिश करी तो उन्हें पढ़ना आने लगा। और कई लोग कुछ और नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन सिर्फ बाइबल को ही पढ़ पाते हैं और समझ सकते हैं। कई प्रचारक, बड़े बड़े प्रचारक ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने इच्छा रखी कि वे परमेश्वर के वचनों को पढ़ करके बताएं, तो परमेश्वर ने उनको सिर्फ पढ़ने की बुद्धि ही नहीं दी बल्कि दूसरों को सिखाने की अपार बुद्धि को दिया। और इसका मतलब यह है कि बाइबल रूपी परमेश्वर के वचनों के अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जो अलौकिक है, और अलौकिक या सुपरनैचुरल वह होता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और जिसे हम बयां नहीं कर सकते, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन या व्याख्या नहीं कर सकते, और साइंस या किसी भी तरीके का कैलकुलेशन में वो बैठता नहीं है। और ऐसे ही कई सुपरनैचुरल बातें यीशु मसीह के नाम में होती हैं, क्योंकि वचन बताता है कि स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है पर सिर्फ यीशु नाम। यीशु नाम का मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब हम इस बात को गंभीरता से लेते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो वह सच में हमारे साथ होकर के हमारे लिए काम भी करते हैं। ये एक अलौकिक अनुभव होता है जो सिर्फ आपके लिए होता है, जिसे आप बयान नहीं कर सकते, और अगर इसे आप किसी को बताने की कोशिश करें तो वो इस पर विश्वास नहीं कर सकता, इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाता है। इसीलिए कई ऐसे अलौकिक अनुभव आप देखते हैं और देखेंगे भी जो सिर्फ आपके लिए ही हो सकते हैं, और जिससे आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी और कोई दूसरा उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर एक सैनिक था जिसे उसके साथी सब बहुत चिढ़ाया करते थे, क्योंकि वो हर बात में दुआ किया करता था और परमेश्वर को आगे रखता था, परमेश्वर का ही नाम लिया करता था, यहां तक कि सब उसकी हर बात में मजाक उड़ाया करते थे। और एक दिन उनके कमांडर ने उस सैनिक की मजा लेने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए उसको बोला कि ये जीप को जाके पार्क करके आओ, पर उसने अपने कमांडर से बोला कि उसको ड्राइविंग नहीं आती है। कमांडर ने उसकी मजे लेते हुए बोला कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि तुम अपने परमेश्वर से मांग के ड्राइविंग करना कैसे सीखते हो और क्या ड्राइविंग कर सकते हो, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम सब परमेश्वर को मान जाएंगे। और इस बात पे वो सैनिक मान गया और उसने चाबी को लिया, प्रार्थना करी कि प्रभु यीशु, मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती आप जानते हैं, लेकिन मैं इन अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह देना चाहता हूँ कि इनका भी जीवन बच जाए और ये नाश ना हो, क्योंकि ये मेरे साथी हैं और मैं इनसे प्रेम करता हूँ जैसा आप इनसे प्रेम करते हैं। और जब उसके कमांडर और साथियों ने उसकी प्रार्थना सुनी तो जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, और फिर वो सैनिक जीप में बैठ करके जीप को चालू करके बहुत अच्छे से चला करके पार्क कर देता है। और ये देख करके सारे के सारे सैनिक जो वहां पर उपस्थित थे और उनके कमांडर भौचक्के हो जाते हैं और सब एकदम चुप हो जाते हैं और वे रोने लगते हैं और उनके ऊपर भय छा जाता है, और उस सैनिक से सब माफी मांगने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हमने तेरे साथ गलत किया है, सच में तेरा परमेश्वर है
जीवित है और हम ये आज मान गए हैं, परंतु ऐसे रिएक्शन की उस विश्वासी सैनिक ने उम्मीद नहीं करी थी और उसे लगा कि कहीं इन लोगों ने किसी स्वर्गदूत को तो नहीं देख लिया है उसकी सहायता करते हुए, और उसने पूछा कि तुम लोग रो क्यों रहे हो। तब उन लोगों ने उसे जीप के सामने ले जाके जीप का बोनट खोल करके दिखाया कि जीप में तो इंजन ही नहीं है तो उसके चलने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए वो उसकी मजा ले रहे थे क्योंकि उसमें इंजन ही नहीं था, परंतु जीप सिर्फ चालू ही नहीं हुई बल्कि उसको अच्छी तरह से चला के उस सैनिक ने पार्क भी कर दिया और सब के सब वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगे। और जब यह घटना इंटरनेट पे फैलने लगी तो लोग इसे नकारने लगे और कहने लगे कि ये झूठ है, ये तो मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन वहां पे मौजूद जो सैनिक थे वो जानते थे कि वो घटना सच थी और उन सब के जीवन बदल गए थे और परमेश्वर ने सबके जीवनों में कार्य किया। ऐसे ही कई घटनाएं आपके साथ इसी प्रकार से होंगी जिस पे कोई विश्वास नहीं कर पाएगा और मानेगा ही नहीं, परंतु वो घटना आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए और वहां मौजूद लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए काफी है। और कोई उस विषय में क्या सोचता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं इसलिए ऐसा आपके साथ बार बार होता रहेगा। कुलूसियों उसके पहले अध्याय और 16वें वचन में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ शब्द अनदेखी के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है एरोतास, जिसका सही मायनों में मतलब होता है नेगेटिव पार्टिकल। अगर हम इस नेगेटिव पार्टिकल की वैज्ञानिक व्याख्या को देखें तो हम ये समझ जाएंगे कि नेगेटिव पार्टिकल को बोला जाता है ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए जो इंसानी आंखों से दिखता नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि वो इंसानी आंखों से दिखाई दे। हम इस रहस्यमयी बात को आज विस्तार से देखने जा रहे हैं जो आपके आत्मिक और प्रार्थना में जीवन को परिवर्तित कर देगा। आप सभी ने सर आइजैक न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। सर आइजैक न्यूटन फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने अनेक आविष्कार और खोज करी थी। वे असल में ऑप्टिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट के विषय में भी बड़ी ही महत्वपूर्ण खोज करी थी जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उन्होंने ये खोज करी थी कि लाइट पार्टिकल्स होते हैं, परंतु 20वीं सदी की खोजों में ये सिद्ध किया गया कि लाइट पार्टिकल्स नहीं होती है बल्कि लाइट एक बीम के जैसे व्यवहार करती है। साइंटिस्ट द्वारा ये सिद्ध किया गया कि लाइट अगर पार्टिकल होती तो वो एक दूसरे से टकरा कर बिखर जाती, परंतु लाइट ऐसा नहीं करती है बल्कि वो जब एक दूसरे से टकराती है तो वो बिखरती नहीं है बल्कि एक दूसरे को काट देती है। इसलिए वो पार्टिकल नहीं है बल्कि एक बीम है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर प्रोफेसर हैं जिनका नाम वॉरविक बोवन है। वे सर आइजैक न्यूटन को अपना बहुत बड़ा आदर्श मानते हैं और उनसे खासे प्रभावित हैं। प्रोफेसर वॉरविक क्वांटम फिजिक्स और ऑप्टिकल साइंटिस्ट हैं। उन्हें सर आइजैक न्यूटन द्वारा बोली गई ये बात कि लाइट पार्टिकल है सोचने पे मजबूर कर रही थी, और वे सोचते रहते थे कि उसके पीछे जरूर ही कोई वजह है जिसलिए उन्होंने ऐसा खोज निकाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर आइजैक न्यूटन एक विश्वासी थे और अनेक बाइबल बांटने में उन्होंने हाथ बटाया था। बहरहाल प्रोफेसर वॉरविक को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आइजैक न्यूटन गलत हो सकते हैं। प्रोफेसर वॉरविक ने एक दूरबीन का इजाद किया, एक दूरबीन को इन्वेंट किया जो लाइट के ऐसे पार्टिकल्स देख सकती थी जो हमारी आंखों से नहीं दिखते। साफ शब्दों में,
कि नेगेटिव पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स, जिनको फोटॉन्स भी कहा जाता है, वैसे पार्टिकल्स को देखने वाली दूरबीन। और ये दूरबीन एक अजूबा थी, क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी चीज कभी भी बनी ही नहीं थी। पर इस दूरबीन ने जो खोज निकाला वो तो और भी अनोखा है और हमारी आंखें खोलने वाला है। जो दूरबीन प्रोफेसर वॉरविक ने इजाद करी, इन्वेंट करी, वो ऐसे लाइट पार्टिकल्स को देख सकती थी जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। परंतु क्योंकि लाइट जो हमें दिखाई देती है वो एक बीम की तरह दिखाई देती है, तो ये पार्टिकल्स के तौर पर अलग ही समझ आ जाती है। प्रोफेसर और उनकी टीम ने जब ये दूरबीन को इजाद किया, इन्वेंट किया, तो पहले वो सब दुखी हो गए थे, हताश हो गए थे, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसे पार्टिकल्स लाइट के दिखाई नहीं दे रहे थे जिसको उन्होंने उम्मीद की थी कि वो इस दूरबीन से दिख जाएंगे। वे सब एक लेबोरेटरी में थे और टीम के एक मेंबर ने इस दूरबीन को इधर उधर घुमाने की सोची कि कहीं कुछ दिख जाए, और अचानक वो बोल उठा कि दिख गया। उस लड़के को लाइट के पार्टिकल्स उस दूरबीन से दिख गए थे। और जब सब दूरबीन में देखने दौड़े तो उसने एक लड़की को वहीं खड़े रहने को बोला जहां वो खड़ी थी, क्योंकि वो लाइट के पार्टिकल्स पूरे लेबोरेटरी में कहीं नहीं थे, परंतु उस लड़की के इर्द गिर्द वो मौजूद थे। इस बात से उनमें उम्मीद जाग गई कि वो दूरबीन काम कर रही है, और फिर उन्होंने उसे खुले में ले जाकर उस पे शोध करना चालू किया। और उनकी शोध में उन्होंने पाया कि वह लाइट पार्टिकल्स हर जगह मौजूद हैं, परंतु पृथ्वी के ऊपर बहुत मात्रा में मौजूद हैं और यूनिवर्स में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं लाइट की स्पीड से भी तेज। वह यूनिवर्स में किसी जगह पर आना जाना कर रहे हैं। लाइट की स्पीड होती है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और यह सिद्ध हुआ है कि लाइट से भी तेज ट्रैवल करने वाले पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है, जो लाइट से 100 गुना तेजी से ट्रैवल करते हैं। और यही फोटॉन्स इस टीम को दिखाई दिए थे, और उनकी रिसर्च में यह सिद्ध हो गया था कि ये फोटॉन्स उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, वचन पढ़ते हैं और मनन करते हैं। इसकी अच्छे से रिसर्च करने के लिए सदर्न क्वींसलैंड करेक्शनल सेंटर में जाकर इसकी रिसर्च करने का उन लोगों ने सोचा, क्योंकि वहां पर ऐसे लोग थे जो वचन पढ़ते थे और अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। और करीब 15 दिन उनके ऊपर खोज करने के बाद उन्होंने घोड़ों के मशहूर शो जंपर डैनियल मिशेलिन के घर पर पूरे एक महीने रहकर इन फोटॉन्स की, लाइट पार्टिकल्स की स्टडी करी, क्योंकि डैनियल मिशेलिन एक विश्वासी हैं और उनके ऊपर प्रोफेसर वॉरविक ने इन फोटॉन्स की बहुत अधिक मात्रा को देखा था। और इस स्टडी में प्रोफेसर वॉरविक ने पाया कि यह जो फोटॉन्स हैं, यह उन सभी लोगों के चारों तरफ तो जमा रहते हैं जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, पर जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं उनके आर पार ये फोटॉन्स जाते हैं, शरीर के आर पार, जब वे सो भी रहे हो तब भी, और यह पृथ्वी के बाहर भी ब्रह्मांड में कहीं ट्रैवल करते हैं। और अगर किसी के लिए आप प्रार्थना करते हो तो यह फोटॉन्स उसकी तरफ आपके प्रार्थना करते ही दौड़ लगाते हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो विश्वासी है, विश्वास करता है, तो उसके शरीर के आर पार वो जाते रहते हैं। लेकिन अगर विश्वास नहीं करता तो उसके चारों तरफ जमा रहते हैं, मानो उसके विश्वास करने का इंतजार कर रहे हो, परंतु आपकी प्रार्थना की वजह से उसके पास जाते जरूर हैं। लेकिन यह चारों तरफ जमा होकर के या शरीर के आर पार होके या पृथ्वी के बाहर कहीं जाके या पृथ्वी के ऊपर जमा रहकर क्या करते हैं, यह अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, और इस बात को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। लेकिन यह बात तो जरूर है कि परमेश्वर के नाम में, हमारे विश्वास में और हमारे मनन करने में अंधे की दुनिया में
अनजानी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पा रही है, पर जो साबित करता है कि परमेश्वर गुप्त में हमारे लिए कुछ इंतजाम करते रहते हैं। आत्मिक जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है 24 घंटे सातों दिन। क्या आप नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर का यह गुप्त गिफ्ट जो हमारे लिए बनाया गया है उसे आप भी पाएं और उसकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ बनी रहे? तो प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते रहना, परमेश्वर के सामने अपने टूटे हुए हृदय को समर्पित करना, उससे आत्मिक चीजें मांगना, खोजना चालू कर दीजिए, क्योंकि यह सब बातें उसकी अलौकिक बातों को आपके जीवन में ट्रिगर करती हैं, जिसमें भला आपका ही है। क्या आप ये भलाई को और उसके इंतजाम को महसूस करना नहीं चाहेंगे? कई लोग जब ये फोटॉन्स एक्टिवेट होते हैं तो उसकी वजह से अपने शरीर में गर्माहट महसूस करते हैं, और कई लोग वो गर्माहट को अभी महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपके मध्य में देंगे, आप विश्वास करें और उसके प्रति एक कदम को बढ़ाएं। परमेश्वर यहोवा ने पहले ही आपकी ओर कई कदम बढ़ा के आपके लिए इंतजाम कर रखे हैं। आज अपने इंतजाम की रुकावटों को दूर कर दीजिए, आज से ही अपने आप को बदलना चालू कर दीजिए, क्योंकि प्रभु तो वहीं आपके पास है, खटखटा रहे हैं कि कब आप उनके इंतजाम के लिए अपने दरवाजे को खोलेंगे, वह आपके लिए अद्भुत काम करना चालू करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आप अब समय को बिना जाया किए प्रभु की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। आप हमें इसकी गवाही जरूर से भेजें कि वचन के द्वारा आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। हमारे साथ अपनी गवाहियां, प्रार्थना रिक्वेस्ट नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस आधुनिक समय में क्योंकि मोबाइल, टीवी और इंटरनेट घर घर में पाए जाते हैं, इसलिए हमने ये पहल की है कि हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाए और उनके जीवनों को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। हमने एक विजन देखा है जिसमें एक प्रोडक्शन हाउस खोले, उसके द्वारा शुभ संदेश टीवी चैनल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सीरीज, ड्रामास, मूवीज, प्रोग्राम्स, एनिमेशंस, पपेट शोज, सॉन्ग्स, बिब्लिकल एंड्रॉइड गेम्स और ऐप जैसे चीजें तैयार करें, जहां हमारा विजन है कि ना सिर्फ परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे और लोग सेक्युलर बातों में अपना एंटरटेनमेंट ना ढूंढे और शैतान की चालों में ना फंसे, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि जितने हमारे शिक्षित और अशिक्षित बच्चे हैं, स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं, हम उनके लिए रोजगार का एक जरिया प्रदान करें जिसमें वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में अपने दिल लगा सके, आशीषित हो और परमेश्वर का प्रतिफल पाए। आप हमारे YouTube चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्द ही बहुत अच्छी जानकारियों को और खोजों को हमारे चैनल पर डालने जा रहे हैं, और आपके सब्सक्राइब करने से आपका प्रोत्साहन और सपोर्ट भी हमें इस बात के लिए इनकरेज करेगा कि हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए करते जाए और प्रभु के आगमन के लिए सबको तैयार करते जाए। आप YouTube पे जाके अब्राहम सिंह के नाम को सर्च करें और हमारे चैनल JBR नेटवर्क विद अब्राहम सिंह को सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बाइबल से खोज के अगले एपिसोड में जरूर जुड़ें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और सुरक्षित रखे। आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक दूसरों के लिए विश्वास और आशा का कारण ठहरना ना भूलें और तैयारी में लगे रहें। हमारे प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की शालोम। पृथ्वी की नींव को जिसने रखा था, शब्दों से सृष्टि को जिसने रचा था, इंसान को जिसने हाथों से बनाया, श्वास को देकर है उसने जिलाया। पृथ्वी की नींव को कैसे रखा था, शब्दों से सृष्टि को कैसे रचा था, आदम को उसने है कैसे बनाया, श्वास को देकर वो कैसे जलाया। आओ
देखे हम बाइबल से खोज मनन करें इस पे हम रोज दर्शाती जो उस प्रेम को जो है यहाँ यीशु सनातन पिता के कामों को हम समझे उसकी नजात की बातों को समझे संसार को सिर्फ एक उसने बचाया मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया सनातन पिता के कामों को हम समझे उसकी नजात की बातों को समझे संसार को सिर्फ एक उसने बचाया मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया यीशु मसीह की वो द्वार है जिसके बिना सब बेकार है वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी जीवन की कहानी उसमें है पूरी पवित्र आत्मा के कामों को देखो बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी जीवन की कहानी उसमें है पूरी पवित्र आत्मा के कामों को देखो बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो आओ देखे हम बाइबल से खोज